दोस्तों, पिछले कई सालों से कर्नाटका स्थित भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर हैवी ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते आए दिन यहां के लोगों को शहर में कंजेशन और ह्यूज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से समय के साथ साथ फ्यूल का कंजम्पशन भी काफ़ी अधिक होता है और साथ ही पर्यावरण में भी पॉल्यूशन बढ़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, डिलेज, प्रोजेक्ट टाइप, टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, रूट अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस, टाइप्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स करंटली वर्किंग, करंट प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेड कम्प्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। तो दोस्तों, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। बेंगलोर सिटी में हैवी ट्रैफिक कंजेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ के करंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, जो कि उचित समय पर अपग्रेड नहीं हो पाया। अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो करंटली नेशनल हाईवेज NH648, NH48, NH275, NH948, NH75, NH44 एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टेट हाईवेज लाइक SH87, SH3, SH9, SH85, SH35, SH104 एट्सेट्रा पर चलने वाला ट्रैफिक बैंगलोर सिटी से होकर गुजरता है। इन हाईवेज पर चलने वाला मैक्सिमम ट्रैफिक इज नॉट इंटेंडेड टू पास थ्रू बैंगलोर सिटी, जिसका सिंपल अर्थ यह है कि यदि बैंगलोर सिटी के आउटर मोस्ट परिफेरी में एक सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट बनता है तो यह अनइंटेंडेड ट्रैफिक बैंगलोर सिटी के बाहर से होकर गुजर पाएगा, जिससे बैंगलोर सिटी में होने वाला अनावश्यक ट्रैफिक जाम एंड कंजेशन की समस्या कम हो जाएगी। इन्हीं समस्या के निराकरण के लिए पिछले कई वर्षों से बैंगलोर सिटी में सैटेलाइट टाउन रिंग रोड और इंडिविजुअल टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट की मांग उठती आ रही है। वर्ष 2005 में पहली बार कर्नाटका सरकार द्वारा बैंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल स्टडीज भी करवाई गई, लेकिन सफिशियंट फंड्स नहीं होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया और यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चले गया। कुछ वर्षों के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए मांग और बढ़ने लगी और इस बार वर्ष 2011 में सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट के एक हिस्से का कंस्ट्रक्शन वर्क ट्रांसट्रॉय लिमिटेड को अवार्ड किया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क की प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। इम्प्रॉपर फंड्स एंड कैपिटल की वजह से असाइंड कंस्ट्रक्शन कंपनी हाईवेज डेवलप करने में फेल हो गई, जिसके बाद वर्ष 2016 में इस कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया। अंततः कर्नाटका सरकार इस बार भी कॉन्ट्रैक्टर की इनकॉम्पिटेंसी एंड इम्प्रॉपर फंड्स की वजहों से सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का कार्य संपूर्ण नहीं कर पाई। वर्ष 2016 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम भारतमाला परियोजना लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत कई हजारों किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, हाईवेज एक्सेट्रा का निर्माण होना प्रस्तावित किया गया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा किया जाना था। कर्नाटका सरकार चाहती थी कि किसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत शामिल हो जाए और इस सिलसिले में कर्नाटका सरकार के मिनिस्टर्स की मोर्थ मिनिस्टर नितिन गडकरी से मुलाकात भी हुई और फाइनली वर्ष 2017 में नितिन गडकरी ने बैंगलोर के मच अवेटेड प्रोजेक्ट सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया, जिसके अंतर्गत कर्नाटका गवर्नमेंट एग्रीड अपॉन 30% कंट्रीब्यूशन इन द फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। प्रस्तावित बैंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट बैंगलोर सिटी के एक्सट्रीम आउटर में एक रिंग रोड टाइप हाईवे होगा, जो इस रूट पर पड़ने वाले 8 टाउन्स को भी आपस में कनेक्ट करेगा। यह प्रोजेक्ट बैंगलोर स्थित दबसपेट में NH4 से शुरू होकर दोड्डा बेलागावी, दोड्डा बल्लापुरा, देवनाहल्ली होते हुए होसकोटे पहुंचेगा। इसके आगे यह हाईवे दीनाहल्ली के नज़दीक अंडर कंस्ट्रक्शन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और इससे आगे सारजापुरा के नज़दीक चिक्का तिरुपति सोनूर क्रॉस करते हुए तमिलनाडु राज्य एंटर करेगा, जहां यह कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के होजूर सिटी के पेरिफेरी से कनेक्ट होगा। आगे होजूर एयरपोर्ट के नज़दीक से गुजरते हुए दोबारा कर्नाटका राज्य में एंटर करेगा, जहाँ यह अनेकल, कनकपुरा, रामनगरम, मगधी, गुडेमनाहल्ली,
को कनेक्ट करते हुए दोबसपेट से जुड़ जाएगा और इस प्रकार यह सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट अपना आकार लेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ इंडिविजुअल टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट ITRR प्रोजेक्ट भी बनाए जाने हैं, जिसके अंतर्गत बैंगलोर सिटी के अराउंड 8 इंडस्ट्रियल टाउन्स को सेलेक्ट किया गया है, जिनमें दोड्डाबल्लापुरा, देवनहल्ली, होसकोटे, अनेकल, कनकपुरा, रामनगरम, मगदी, नीलमंगला शामिल हैं। इन टाउन्स की पेरिफेरी पर रिंग रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि सैटेलाइट टाउन रिंग रोड के माध्यम से इन टाउन्स को भी आपस में कनेक्ट कर देगा। STRR प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कंस्ट्रक्शन के बाद निश्चित रूप से हैवी ट्रैफिक से कुछ राहत जरूर मिलेगी। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड टाइप हाईवे प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा और इस हाईवे की ओवरऑल लेंथ 283 किलोमीटर की होगी। इसके अतिरिक्त नियर फ्यूचर में बनने वाले इंडिविजुअल टाउन रिंग रोड्स की क्यूमुलेटिव लेंथ 163 किलोमीटर की होगी। इस प्रोजेक्ट का पेवमेंट या कहें कैरेज वे फ्लेक्सिबल टाइप होगा और साथ ही इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे इस पर व्हीकल्स अप टू 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। अगर बात करें सैटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, तो यह हाईवे कर्नाटका राज्य में ओवरऑल 243 किलोमीटर एंड तमिलनाडु राज्य में अप्रोक्स 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। दबसपेट, रामनगरम, अनेकल, होजूर, होसकोते सेक्शन की लंबाई अप्रोक्स 204 किलोमीटर की होगी। वहीं दबसपेट दोड्डाबल्लापुरा होसकोटे सेक्शन की लंबाई अप्रोक्स 80 किलोमीटर की होगी। इस प्रकार बैंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्स 284 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा नियर फ्यूचर में बनने वाले इंडिविजुअल टाउन रिंग रोड की लंबाई 163 किलोमीटर की होगी। दोस्तों, बैंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड की फॉर्मेशन 5 सेक्शंस को मिलाकर होती है, जिनमें शामिल हैं दबसपेट होसकोटे सेक्शन, फेज 1 ऑफ दबसपेट रामनगरम, फेज 2 ऑफ रामनगरम टू पेद्दा मधागोंडापल्ली एंड देन पेद्दा मधागोंडापल्ली टू कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर, एंड फिफ्थ इज सम पोर्शन ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 207 व्हिच हैज टू बी रियलाइंड। आफ्टर प्रॉपर ट्रैफिक एनालिसिस, बैंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड के कुछ सेक्शंस को 6 लेन और कुछ सेक्शन को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है। एग्जिस्टिंग दबसपेट दोड्डाबल्लापुरा होसकोटे सेक्शन एक ब्राउनफील्ड टाइप हाईवे होगा, जिसकी कुल लंबाई अप्रोक्स 80 किलोमीटर की होगी। इस सेक्शन के एग्जिस्टिंग 2 लेन हाईवे को 4 लेन हाईवे में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसे भविष्य में अप टू 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। इस सेक्शन का कंस्ट्रक्शन हाइब्रिड एनवीटी मोड के तहत किया जा रहा है और इस सेक्शन के राइट ऑफ वे को लैंड अनअवेलेबिलिटी रीजन से 45 मीटर का रखा गया है। इसके अलावा फेज 1 जो कि दोबसपेट टू रामनगरम सेक्शन है और जिसकी लंबाई अप्रोक्स 82 किलोमीटर की है, को 4 लेन ग्रीन फील्ड टाइप हाईवे बनाया जा रहा है और इसे भी फ्यूचर में अप टू 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। इस सेक्शन में राइट ऑफ वे को 70 मीटर का रखा गया है। फेज 2 कर्नाटका के रामनगरम टू तमिलनाडु राज्य में कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट के पेद्दा मधागोंडापल्ली तक है और इस सेक्शन को अप्रोक्स 58 किलोमीटर का बनाया जा रहा है और इसे 6 लेन ग्रीन टाइप हाईवे बनाया जा रहा है। इस सेक्शन में थ्रू आउट राइट ऑफ वे 70 मीटर का है, एक्सेप्ट बानेरघट्टा नेशनल पार्क, जहां पर इसका राइट ऑफ वे 28.5 किलोमीटर का रखा गया है। फेज 3 तमिलनाडु राज्य के पेद्दा मधागोंडापल्ली टू कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर तक है और इस सेक्शन को अप्रोक्स 42 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। यह सेक्शन भी कम्प्लीटली 6 लेन ग्रीन फील्ड टाइप हाईवे होगा। इस सेक्शन के राइट ऑफ वे को 75 मीटर का रखा गया है। लास्ट सेक्शन तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर से होसकोटे तक है। इस सेक्शन को अप्रोक्स 21 किलोमीटर का बनाया जा रहा है और इस हिस्से में एग्जिस्टिंग रोड को अपग्रेड करके 4 लेन टाइप हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह भी है कि STRR प्रोजेक्ट में दबसपेट के नजदीक एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा स्पेशल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। STRR प्रोजेक्ट के अंडर अप्रोक्सीमेटली 5 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 18 इंटरचेंजेस, 2 फ्लाईओवर्स, 5 major bridges, 33 minor bridges, 63 vehicular underpass, 10 vehicular overpass, 25 light vehicular underpass, 5 small vehicular underpass, 400 culvert type structures का construction होगा। Bangalore Satellite Town Ring Road Project के कुछ sections का construction hybrid NVT mode और कुछ section का construction engineering procurement and construction mode के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, Bangalore Satellite Town Ring Road Project की overall cost अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ रुपीस होगी। अगर बात करें करंट प्रोग्रेस की, तो दबसपेट होसकोटे तक 80 किलोमीटर के सेक्शन का कंस्ट्रक्शन वर्क वर्ष 2020 से इनिशिएट हो चुका है और एट प्रेजेंट
अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ प्रोग्रेस अचीव कर ली गई है। इस सेक्शन का कम्प्लीशन एंड ऑपरेशनल होना ईयर 2023 में एक्सपेक्ट किया गया है। इसके अलावा फेज 1 एंड फेज 2 फाइनल टेंडरिंग प्रोसेस में है और बहुत जल्द इनका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। फेज 3 एंड लास्ट सेक्शन के कंस्ट्रक्शन वर्क को रिसेंटली इनिशिएट किया गया है। करंट प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग बैंगलोर सेटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट की ओवरऑल कम्प्लीशन एंड ऑपरेशनल होना ईयर 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। करंटली इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, शंकरा नारायण कंस्ट्रक्शंस, मोंटी कार्लो, S&P इंफ्रास्ट्रक्चर, Skylark इंफ्रा इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज कर रही हैं। फ्रेंड्स, अदर देन सेटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट, करंटली देर आर सेवरल अदर हाईवे प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन, अलॉन्ग विच सम आर लाइक बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क काफी तेजी से चल रहा है। मच अवेटेड पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड, बैंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे जो कि फाइनल DPR स्टेज पे है, और इंडस्ट्रियल टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट विच इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर करंटली काफी तेजी से वर्क किया जा रहा है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले 5 से 6 वर्षों के अंदर बैंगलोर सिटी बिल्कुल कंजेशन फ्री हो जाएगी और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मदद से सिलिकॉन वैली और इसके आसपास के रूरल एरियाज एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैंगलोर सेटेलाइट टाउन रिंग रोड प्रोजेक्ट की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स, सुझाव एंड विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।